नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं हूं आपका अपना अजय कुमार। दोस्तों वैसे तो हम सब लोग रोज़ सुबह अपने काम के लिए अपने घर से निकलते हैं और कुछ छोटी मोटी बातों का ध्यान भी रखते हैं कि घर से निकलते समय कोई हमें पीछे से आवाज़ ना दे दे, कोई छींक ना मार दे, या घड़ी के ऊपर जो समय है वो पौने में ना हुआ हो। लेकिन हमारे जीवन के कुछ दिन दोस्तों ऐसे होते हैं जब हम अति विशेष काम के लिए अपने घर से चलते हैं, जैसे कोई परीक्षा देने का दिन हो, किसी इंटरव्यू के लिए हमने जाना हो, मुकदमे का फैसला आने वाला हो, विदेश यात्रा के लिए जाना हो, या कोई बिजनेस डील जो है वो हमने साइन करनी हो, या किसी प्लॉट इत्यादि की रजिस्ट्री जो है वो हमारे नाम पे होनी हो, तो ऐसे बहुत से विशेष मौके जो हैं वो हमारे जीवन में आते हैं। तो दोस्तों मेरी ये एडवाइस है कि यदि उस दिन आप कुछ विशेष बातों का अतिरिक्त रूप से ध्यान रखेंगे तो आपका जो सक्सेस रेट है वो कई गुना बढ़ जाएगा और जो मुश्किलें हैं आपके रास्ते में वो भी कम से कम आएंगी। तो आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी विशेष बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि जिस दिन आपने किसी विशेष काम के लिए अपने घर से चलना है उस दिन आप सुबह जल्दी उठें, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर आप अपने इष्ट का स्मरण करें, उसकी पूजा अर्चना करें और प्रार्थना करें कि आप जिस काम के लिए जा रहे हैं आपको उस काम में सफलता मिले। पूजा अर्चना के बाद आप अपने घर के जो बड़े हैं, आपके माता पिता हैं, आपके दादी दादा हैं या और घर के बड़े हैं, उनके पांव छूकर उनसे आशीर्वाद जो है वो अवश्य लें। इसके पश्चात आप भोजन करें और तैयार हो जाएं घर से निकलने के लिए। तो दोस्तों जब आप घर से निकलने लगें तो आप चेक करें कि दोनों में से कौन सी नासिका से आपका जो श्वास है वो आसानी से आ रहा है। इसके लिए आप पहले एक नासिका को बंद करें और दूसरी तरफ से सांस लेने की कोशिश करें, उसके बाद आप दूसरी तरफ से नासिका को बंद करें और इस तरफ से सांस जो है वो लेकर देखें। जिस ओर से आपको सांस लेने में कम कठिनाई होगी, अर्थात आसानी से आप सांस ले पाओगे, आप समझ लें कि आपकी वही नाड़ी जो है वो इस समय चल रही है। दोस्तों किसी की बाई नाड़ी चलती है, किसी की दाई नाड़ी चलती है और समय के अंतराल से इसमें परिवर्तन भी होता है। सो आपकी जिस ओर की नाड़ी चल रही हो तो आपने ध्यान रखना है कि जब आप अपने घर की दहलीज को क्रॉस करें आप उसी ओर का पांव उठाकर अपने घर की दहलीज को क्रॉस करें। घर से निकलने से पहले दही का सेवन अवश्य करें। दही जो है वो मीठा होना चाहिए। जब आप घर से निकलें तो घर के दरवाजे के बाहर आपके घर का कोई मेंबर हाथ में पानी का बर्तन लेकर खड़ा हो, आप उस पानी के बर्तन में कोई कॉइन जो है वो ज़रूर डाल दें। दोस्तों इसके बाद आपने किसी भी हालत में पीछे मुड़कर नहीं देखना और ना ही आपके कदम जो हैं वो पीछे मुड़ने चाहिए। चाहे कोई आपको किसी काम के लिए आवाज़ दे कि आप कुछ भूल गए हो, आप वो ले जाओ, या किसी भी अन्य बात के लिए कोई आपको पुकारता रहे, आपने ना तो पीछे मुड़ के देखना है, ना ही रिस्पॉन्स देना है और ना ही आपने अपने कदम जो हैं वो रोकने हैं। दोस्तों यदि आप गाड़ी से जा रहे हो तो मेरी आपको एडवाइस है कि आप गाड़ी के अंदर बैठकर
गाड़ी को स्टार्ट करके गियर में डाल के कभी भी रिवर्स ना चलाएं। यदि आपकी गाड़ी ऐसी स्थिति में खड़ी है कि आपको गाड़ी रिवर्स करनी पड़ेगी, तो आप निकलने के टाइम से पहले अपनी गाड़ी को सही पोजीशन में खड़ा कर लें, ताकि जब आप घर से निकलें तो आपको अपनी गाड़ी बैक ना करनी पड़े। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपने घर से निकलते समय जो राहु काल है उसका त्याग करना है और कोशिश करनी है कि आप अभिजीत मुहूर्त में ही घर से निकलें। आपकी कुंडली के अंदर अगर आप चेक कर पाएँ या करवा पाएँ, तो चंद्रमा का गोचर में जो स्थान है उसको चेक करवा लें। यदि चंद्रमा गोचरवश चंद्रमा से सही स्थिति में है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा जाते जाते भगवान शंकर के दर्शन अवश्य करके जाएं और उनसे अपनी सफलता के लिए प्रार्थना भी करें। सो दोस्तों, इतना सब कुछ करने के बाद मेरा ये मानना है कि आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपकी सफलता भगवान की इच्छा से आपके कदम चूमेगी और आपको निराशा नहीं देखनी पड़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।